सावली तहसील के जिला परिषद उच्च प्राथमिक स्कूल सामदा पंचायत सावली में आज 20 अप्रैल बुधवार को स्कूल पूर्व तैयारी मेड़ावा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान स्कूल व्यवस्थापन समिति उमरी के प्रतिमाताई सातपुते अध्यक्ष के स्थान पर थी। वह ग्राम पंचायत उपरी के सरपंच कुमुताई दिलखुश सातपुते उद्घाटक के रूप में मौजूद थे। वहीं अन्य विशेष अतिथियों में पंचायत समिति सावली के सदस्य गणपत राव जी कोठारे के साथ मैजिक बस प्रोग्रामर निशा मैडम तथा श्रद्धा मैडम तथा सीटीवी के विशेष प्रतिनिधि पत्रकार प्रवीण गेडाम मौजूद थे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक तथा सभी शिक्षक वृंद सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मदद की पालक के साथ समस्त गाँववासी उपरे की उपस्थित थे। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के पहले गांव में बैंड पथक के साथ प्रभात फेरी निकाली गई और भर्ती हुए प्रत्येक विद्यार्थियों को भेंट देकर उन्हें सम्मेलन स्थान तक प्रभात फेरी द्वारा लाया गया। इस सम्मेलन की शुरुआत मानव के हाथों फीता काटकर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को पूजन कर तथा दीप प्रज्वलन किया गया। इस सम्मेलन का सूत्र संचालन मिलिंद घोबरागड़े सर, प्रास्ताविक नामदेव रागीट सर तथा कार्य पद्धति तथा उद्देश्य के संबंध में मुकुंदा मिश्राम सर तथा योगेश रामटेके सर ने उपस्थितों को समझा कर बताया। आभार प्रदर्शन सुनीता वासाड़े मैडम ने किया। इस दौरान 7 स्टॉल लगाए गए थे। वहीं इस सम्मेलन के संबंध में जानकारी दी गई। ओके, आज आम्ही आमच्या जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा उपरी येथे शाळा पूर्व तयारी मेळावा आयोजित केलेला आहे। तर या मेळाव्याचा उद्देश हा आहे की महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक परिषद पुणे आणि डायट यांच्यातर्फे हा उपक्रम चालवला गेलेला आहे। तर मागील 2.5 वर्षात किंवा 3 वर्षात कोरोना काळामुळे जे मुलं अंगणवाडीमध्ये आलेले नाही आणि त्यांची बौद्धिक शारीरिक मानसिक किंवा भावनात्मक विकास झालेला नाही अशा मुलांचा या शाळापूर्व मेळावा अंतर्गत 12 आठवड्यामध्ये शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा अतिशय सुंदर असा उपक्रम आयोजित केलेला आहे। सीटीव्ही के हमारे विशेष प्रतिनिधी प्रवीण गेडाम की रिपोर्ट।